वल्ला हबीबी हम चिम्स बोलती, Y444 हैकर नहीं होती, वो लेजेंड प्लेयर होती, वो सबको लाल लाल मारती, गुलाबी गुलाबी मारती, पीली पीली नहीं मारती, वल्ला हबीबी हमारे अब्बा हैकर नहीं होती। चार बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। यो 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 चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर, पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, दोस्त बोला मुझको चाहिए थोड़ा सा माल, आज रात फूक लूंगा पूरी दुनिया घूम लूंगा, तेरे पैर चूम लूंगा, पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यार। अगर यहाँ पे तुम अपने नेत्रों से 9 साल की ऑडियंस वाले चश्मा उतार के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा सामने वाले बंदे इसको इमोट दिखा रहे हैं और इतनी दूर से ये लाल मार रहा है। यहाँ दूसरे क्लिप में देखो बंदे अभी लैंड कर रहे हैं और अलाइव बस 10 ही दिख रहा है, ठीक है? इसमें देखो बंदा, एक बंदा मैराथन के रेस में था, दूसरा नो इंटरनेट प्रैंक, और तीसरा बंदा देखो यहाँ सामने से दौड़ता आ रहा है, चौथा बंदा भी आया दौड़ के। मतलब इसमें क्या तुम्हें दिखा कि बंदे आ रहे हैं रेसिंग करने, मैराथन चल रहा है यहाँ पे, किसी के हाथ में गन नहीं। इस क्लिप में भी तुम देख रहे हो बंदे सामने से दौड़ते आ रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जेम्स अब तो मान ले अब्बा चोर है तेरा। नहीं, अब्बा चोर नहीं है, अब्बा प्रो है, अब्बा लेजेंड है। रुको जरा, सबर करो। तो गाइज ये रही Y444 की पहली आईडी, फर्स्ट आईडी जिससे Y444 गेम खेला करता था, और ये आईडी भी अभी के टाइम पे बैन हो रखी है। गाइज मेरे अब्बा हैकर नहीं है, उनकी आईडी इसलिए बैन हुई क्योंकि वो नुबरू से वर्सेज के है, इसलिए गरीना ने आईडी बैन कर दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये रहा सफेदी लाल का दूसरा आईडी। अब ये आईडी जो मेन आईडी थी इसकी, इसकी गिल्ड थी नॉट ह्यूमंस ग्लोबल के अंदर, उसकी लीडर थी आईडी, ये भी आईडी बैन हो रखी है। यस भैया, प्लीज भैया अब्बा को हैकर मत बोलो भैया, ये आईडी इसलिए बैन हुई क्योंकि पता नहीं यार, लेकिन अब्बा चोर नहीं। हम आते हैं सफेदी भैया के तीसरी आईडी पे, और मुबारक हो ये आईडी भी बैन हो रखी है। चिप्स अब क्या बहाना देना है तेरे और तेरे अब्बा को? ऐसा तो नहीं कि गरीना की बेटी को छेड़ रहा था Y444 इसलिए गरीना ने आईडी बैन कर दी? नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस भैया, अच्छा ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, अच्छे से रहना, ध्यान रखना। मानुस दो दिल में पलट गया। Y444 एक ऐसा चोर जिसको लोगों ने भगवान बना के रख दिया है, भगवान का दर्जा दे दिया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैं Y444 पे वीडियो बना रहा। इससे पहले 4 वीडियोस Y444 पे मैंने विथ प्रूफ बना रखा है कि वो हैकर है, और इंडिया में सबसे पहले Y444 को एक्सपोज भी मैंने और GW करण ने करा था। फिर उस टाइम हमें हेट दिया था लोगों ने ये बोल के कि भाई आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, Y444 हैकर नहीं है। और उन्हीं के साथ साथ बहुत लोग जो अभी वीडियो बना रहे Y444 पे वो भी उस टाइम बहुत ज़्यादा ज्ञान दिए थे कि ये लोग बस व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और उनको बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। भाई देखो मैं सीधी से बात बताता, ये कुछ थोड़ी सी व्यूज़ के चक्कर में अगर तुम ये सब हरकतें करोगे ना, भाई कसम से बता रहा कल को लोग तुम्हें भाई थूकेंगे, इसलिए ये सब हरकतें मत करो अगर तुम्हें पता है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि वो हैकर है बाद में उनको हटा दो, कुछ भी करो, बट अगर जानते हो हैकर हो तो प्रमोट उनको मत करो किसी भी साइड से। अब देखो मेरे को बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करनी है इस वीडियो में, लेकिन मैं तुम्हें दो चीज़ें बता देता हूँ जो तुम जानोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज़, फ्री फायर का मोस्ट डेंजरस हैकर, उससे बड़ा हैकर कोई है नहीं जिसने पूरी की पूरी फ्री फायर के सर्वर को हैक कर लिया था। और एक टाइम को तुम लोग को याद होगा उसने अपने इंस्टाग्राम की लिंक सबके DM में, जितने प्लेयर्स होते हैं सबके DM में भेज दिया था। तो हाँ, मैं उसी प्लेयर की बात कर रहा, उसी हैकर की बात कर रहा, बहुत डेंजरस हैकर है वो, और वही Y444 के बारे में A to Z सब कुछ आके बताएगा तुम्हें। वो मेरा दोस्त है, ठीक है, वो है मोरक्को का, तो वो मेरा दोस्त है बंदा।
उसके साथ बहुत जल्दी इंटरव्यू आने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज, Y444 वर्सेस यस वाईटी बॉस बहुत जल्द आने वाला है, जिसको देख के भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो उसके लिए तुमको इस वीडियो पे 50K लाइक्स करना है और जितना शेयर कर सकते हो कर देना, तभी वो वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। और देखो, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल, मेरे को ऐसा सुनने में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अभी। यार क्या बताऊं यार, तुम ऐसे करते हो ना भाई, मन नहीं करता है भाई वीडियो बनाने का। यार सब्सक्राइब करो, बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना, और बाकी और तो क्या ही बोले इसको भाई, जितनी गाली दो उतनी गम है। कमेंट में हैशटैग सफेदी लाल सबके सब लिख देना। और देखो, अगर अभी के टाइम पे इतने सारे क्रिएटर इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो लोग से उम्मीद नहीं थी वो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है भाई, करो। तुम्हें ये सब चीज़ बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे को करा, मैं करा सबसे पहले, लेकिन उस टाइम किसी ने सपोर्ट नहीं करा। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब एकजुट होकर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अभी के टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही है ना, जो असलियत है वो बाहर आ रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे हो, मीना सरवर को भाई एकदम, मतलब हर एक चीज़ को एक्सपोज कर देना, मैं तो यही जानता हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें मीना सरवर से रिलेटेड मेरे को पता लगी है, प्रूफ मिली है ऐसी ऐसी, जिसको देखोगे तुम तो तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। तो वो सारी जो है ना मसालेदार है, तो एक वीडियो में इतना मसाला डाल देंगे तो भाई तुम्हें तीखा लग जाएगा। इसलिए आराम से अभी वीडियो आएगी, 2-3 चिल मारो, गांजा फूको, मैं भी जा रहा गांजा फूकने के लिए। मिलेंगे हम आपसे एक और न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्प्रेड लव।